सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों जियो म्यूज़िक अब जियो म्यूज़िक नहीं रहा, जियो म्यूज़िक अब जियो सावन बन चुका है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों पहली बात तो ये थी कि सावन म्यूज़िक ऐप जो था वो इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था, तो जियो ने क्या किया, सावन के साथ हाथ मिलाया, एक डील साइन की। 7 महीने पहले एक डील साइन हुई थी कि जियो और सावन मिलके एक ऐप लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो वो क्या किए, जियो ने जियो म्यूज़िक नाम चेंज करके उसमें सावन रख लिया और सावन के जितने फीचर्स थे वो जियो में ऐड हो गए। दोस्तों अभी जियो जो आप देख रहे होगे, जियो म्यूज़िक को जब आप प्ले स्टोर में अपडेट करोगे तो उसका अभी आइकन चेंज हो जाएगा। वो सावन जैसा आइकन था, जो सावन ऐप का जैसे आइकॉन था वैसे ही आइकॉन हो जाएगा अभी। और जियो म्यूज़िक अब जियो म्यूज़िक नहीं रहा, जियो म्यूज़िक अब जियो सावन बन चुका है। सावन म्यूज़िक ऐप के जितने फीचर्स थे जियो में आ गए हैं, और भी फास्ट हो गया है, कोई लैग नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अभी म्यूज़िक आप और फास्ट सुन सकते हैं आप। बहुत सारे न्यू अपडेट आए हैं, क्या क्या अपडेट हैं मैं आपको वीडियो में बताऊँगा अभी, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मैं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो जियो म्यूज़िक का नाम चेंज होकर जियो सावन हो चुका है और आइकन भी चेंज हो गया है। जियो म्यूज़िक लिखा हुआ था, जियो लिखा हुआ था, वो सावन जैसा आइकन भी आ गया है। तो अभी क्या करना है आपको दोस्तों, जियो प्ले स्टोर में जाना है आपको। जियो म्यूज़िक का अपडेट हुआ होगा, जिसका अपडेट नहीं आया है वो वेट करें, जिसका अपडेट आ गया है जियो म्यूज़िक में अब जाके प्ले स्टोर में जाके जियो म्यूज़िक को अपडेट करें, वो अपने आप आइकन चेंज हो जाएगा, वो जियो सावन हो जाएगा। तो जियो सावन में क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत फास्ट है दोस्तों, पहले से बहुत फास्ट है। तो जैसे ही आप खोलोगे यहाँ पे आपको लॉगिन करने बोलेगा, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ तो यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोलता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे बहुत फास्ट हो चुका है। देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे मैं आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, तो पहले से अच्छा दिख रहा है ये। बहुत सारे नए नए फीचर्स भी आए हैं इसमें, बहुत फास्ट हो चुका है, आपको कोई लैग नहीं होगा। जैसे जियो म्यूज़िक में क्या हो रहा था, आपको लैग हो रहा था थोड़ा थोड़ा, इसमें कोई लैग नहीं है, पूरा फास्ट है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे ये दंगल फिल्म का गाना है, ठीक है, तो जैसे मैं स्वाइप करता हूँ अपने आप ये गाना प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रदर एंथम, जैसे मैं स्लाइड करता हूँ अपने आप गाना प्ले हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप गाना प्ले हो जाएगा। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप का कैटेगरीज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप चार्ट, यहाँ पे जैसे देख सकते हो टॉप प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग टूडेज, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये पहले से। तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा ये चीज़, बहुत मतलब यहाँ पे जैसे होम में क्लिक करता हूँ मैं, कुछ भी आप चूज़ करें यहाँ पे कोई भी गाना, कैटेगरीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है, पहले से फास्ट है, बहुत अच्छा दिखने में है, और क्या चाहिए, बस इतना ही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ठोकें और शेयर करें।